कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने आंशिक कर्फ्यू की समय सीमा 17 मई तक बढ़ा दी गई है, जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन ने 17 मई तक आंशिक कर्फ्यू को बढ़ा दिया है, जिसका कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में जनता का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। एसएसपी ने कहा कि आंशिक कर्फ्यू में ऑक्सीजन, दवाई तथा खाद्य सामग्री, आयुर्वेदिक की दुकान, फल मंडी तथा अंतिम संस्कार की सामग्री की दुकानों को छूट दिया गया है। उन्होंने बताया कि अनावश्यक निकलने वाले लोगों की गाड़ियों का चालान किया जा रहा है तथा उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, शासन ने आंशिक कर्फ्यू 17 तक बढ़ा दिया है, क्योंकि नियमों का लोग पालन कर रहा है। देखिए, 17 तारीख तक आंशिक कर्फ्यू बढ़ाया गया है, ये बढ़ती हुई कोरोना संक्रमण को, इस कड़ी को तोड़ने के लिए जनहित में बढ़ाए गए हैं। इसको पूर्णतया लागू कराया जा रहा है और जनता की तरफ से कोऑपरेशन भी मिल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हॉस्पिटल के और ऑक्सीजन से रिलेटेड, दवाई से रिलेटेड गाड़ियों को भी परमिट दिया गया है। बहुत ही अत्यावश्यक जो दुकान है, जिसमें दवाई की दुकान है और परचून की दुकान है, जहाँ खाने पीने के सामान बेचते हैं, उसका थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, बाकी सारे पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। देखिए, वो समय अनुसार उसको देख के हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी का अंतिम संस्कार के लिए कपड़े कोई लेने जा रहा है, उसकी बहुत ही अति आवश्यक है, किसी जो अन्य जो बीमार व्यक्तियों के लिए कोई और चीज़ के सामान की ज़रूरत है, आयुर्वेदिक दवाई की दुकानें हैं, कोई फल मंडी है, जैसे उसको पेशेंट्स को उनका पुष्टाहार है तो फल भी दिए जाने का जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, ऐसे चीज़ों में थोड़ा सा जो इश्यू बेस्ड रिलैक्सेशन हम लोग दे रहे हैं, ताकि जनता को भी असुविधा ना हो और संक्रमण में भी रोक लगे। देखिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, उनके गाड़ियां सीज की जा रही है, उनके खिलाफ जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो भी लगातार चल रहा है।